हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एटॉमिक फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। और जो पहले मैं डिस्कस करूँगा वो इंटेंसिटी रूल है, लगातार कंप्लीशंस की दुनिया में पूछा जा रहा है। तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उसके कई सारे पोर्शंस हैं, तो वन बाई वन मैं डिस्कस करता हूँ। पहला जो पोर्शन है उसमें दिया हुआ है, द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इन एनी डेवलप्ड एरा इज फ्रॉम ट्रांजिशन इन विच जे एंड एल चेंज इन द सेम वे। अगर हमारे पास दो लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन्स, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, तो सबसे पहले जे और एल का चेंज देखते हैं। वो लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है जिसमें जे और एल का चेंज सेम होता है। जैसे हमारे पास केस है द लाइन 2p3/2 से 2s½ को ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम किसी समय पर जे का चेंज देखें तो हाफ -3/2 करेंगे तो -1 आएगा, और एल का चेंज देखेंगे तो यहाँ पे एल जो होगा वो 0 और यहाँ पे 1 होगा, तो एल का चेंज भी -1 है और जे का चेंज भी -1 है। और जो दूसरी लाइन है वो है 2p½ से ट्रांजिशन हो रहा है 2s½ को, तो यहाँ पर जे का चेंज देखेंगे तो हाफ -1/2 0 होगा, और एल का चेंज देखेंगे तो यहाँ एल 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 -1 होगा। तो इन दोनों में से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें जे और एल जो है वो सेम तरीका से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी समय पे दो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी को बताना, तो पहले सबसे पहले जे और एल का चेंज देखते हैं। अगर किसी दो स्पेक्ट्रल लाइन में ट्रांजिशन हो रहा है अलग अलग, तो हम ये देखेंगे कि जे और एल में जो चेंज है जिसमें सेम वे हो रहा होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली उसके जिसमें जे और एल सेम तरीका से चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2p3/2 2s½ ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा कंपेरिजन 2p½ से 2s½ के ट्रांजिशन के मुकाबले। उसके अलावा हम देखें दूसरा केस कि फॉर द टू स्ट्रॉन्ग लाइन 2b3/5/2 से 2p3/2, तो यहाँ पे हम देखें किसी समय पे जे का चेंज 3/2 -5/2 करेंगे तो -1, और यहाँ पे एल है 1 और यहाँ है एल 2, तो एल का बदलाव यहाँ पे भी -1 है क्योंकि 1 -2 करेंगे तो -1 आएगा। उसके अलावा 2d3/2 से ट्रांजिशन हो रहा है 2p½ को, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो j का चेंज है ½ -3/2 लेंगे तो -1 आएगा, और किसी समय पे l का चेंज लेंगे तो l इसका 1 और इसका 2, तो l का चेंज 1 -2 -1 आएगा। तो यहाँ भी j और l जो है वो -1 चेंज हो रहा है, और यहाँ भी j और l -1 चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें जे का जो चेंज है वो हायर वैल्यू से ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले दो चीज़ें हम देखते हैं किसी समय पे कि अगर जे और एल दोनों में चेंज सेम तरीका का आ रहा है, तो फिर ये देखते हैं कि जे जो है हाई वैल्यू से लो वैल्यू किस में परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ जे 5/2 से 3/2 में हुआ तो जे हाई वैल्यू ज़्यादा रखता था, यहाँ 2d3/2 से 2p½ में ट्रांजिशन हुआ तो जे जो 3/2 से हाफ में आया तो यहाँ जे वैल्यू कम थी। तो हम अगर किसी समय पर ट्रांजिशन किसी समय पर हो रहा है और जे और एल का चेंज सेम है, तो फिर देखते हैं किसी समय पर जे हाई वैल्यू से कहाँ चेंज हुआ है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेरिजन इसके। तो दो ये रूल्स हैं। उसके अलावा किसी समय पे इसका जो है ये हमारे पास में क्वांटिटेटिव रूल है, ये हमारे साइंटिस्ट बर्गर डॉर्गिलो और निस्टन ने ये रूल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दो लाइन ऑफ ए मल्टीप्लेट विच कम्स फ्रॉम द कॉमन इनिशियल लेवल इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम वेट 2j+1 ऑफ दैट लेवल। अगर किसी समय पे एक लाइन से ऊपर स्पेक्ट्रल लाइन से जो ट्रांजिशन हो रहा है नीचे की तरफ, अगर सपोज किया दो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो उन दोनों की इंटेंसिटी का सम जिस जहां से ट्रांजिशन हुआ है उसके क्वांटम वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस लेवल के जो वहां पर जे है उसके 2j+1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये पहला रूल है। सेकंड रूल ये है द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दो लाइन ऑफ ए मल्टीप्लेट विच एंड ऑन ए कॉमन इनिशियल लेवल इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम वेट ऑफ दैट लेवल। अगर किसी समय पे दो या दो से ज़्यादा लाइन्स किसी पर्टिकुलर लाइन पर उनका एंड प्रोडक्ट हो रहा है, तो उन इंटेंसिटियों का जो सम है उन लाइनों की स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी का सम जहाँ पे वो एंड हो रहा है उनके उसके क्वांटम वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्वांटम वेट जो होता है वो 2j+1 होता है जहाँ जे टोटल क्वांटम नंबर या टोटल इनर क्वांटम नंबर को शो करता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखें, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, ये दो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये पहली प्रॉब्लम आई हुई है नेट के ऊपर और लगातार आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन, इस बार भी नेट में क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम देखें किसी समय पे सोडियम का केस में डिस्कस करना चाहूँगा। तो सोडियम के केस में हम क्या देखते हैं, किसी समय पे जो सोडियम होता है उसका जब हम क्लासिफिकेशन जेड लिखते हैं तो जेड उसका 11 होता है, तो क्लासिफिकेशन उसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो हम देखेंगे किसी समय पे जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है 3s में वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसी समय पे जब हम कंटिन्यूस रेडिएशन डालते हैं उस 3s के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर की स्टेट में पहुंच जाता है, तो वहां से वो 3s से जो उसके जस्ट ऊपर स्टेट होती है वो 3p होती है, और 3p से जो 3p स्टेट है वो बेसिकली दो सब स्टेट में बटी होती है,
और उसके बकने का कारण होता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो जैसे हम उसे थ्री पी स्टेट को शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के कारण से टू टू पी यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी के लिए लेते हैं, और ये पी स्टेट के लिए जो एल की वैल्यू है वो किसी समय पे एल जो होगा पी स्टेट का वो वन होगा, और टू एस प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे होती है मल्टीप्लिसिटी, तो एस यहाँ पे हाफ हो गया, तो जे की जो वैल्यू होगी वो एल माइनस एस से एल प्लस एस होगी, तो जे जो होगा किसी समय पे वो वन माइनस हाफ और वन प्लस हाफ होगा, तो जे की वैल्यू जो हाफ और थ्री बाई टू हो जाएगी। और उसमें हम ये ध्यान रखें कि सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लेट में जो हमारे पास में लोअर जे है होता है उसकी वैल्यू लो होती है और हायर जे की वैल्यू हाई होती है। तो ये हमारे पास में लाइन बन जाएगी एन बराबर थ्री हो जाएगा टू पी थ्री हाफ और टू पी थ्री बाई टू। तो जे की वैल्यू यहाँ हाफ है, एल यहाँ वन है, और मल्टीप्लिसिटी के लिए टू लिया तो स्पिन यहाँ हाफ कंसिडर की गई है, और जे यहाँ पे थ्री बाई टू है और एल यहाँ पे वन होगा और मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे टू ली गई है तो स्पिन को हाफ लिया गया है। अब क्या होगा किसी समय पे जो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होंगे इस स्टेट से और इस स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे तो उसको इंटेंसिटी आई ए से नोट किया गया है, ए से शो किया है, और अगर यहाँ से टू पी थ्री बाई टू से टू एस हाफ को ट्रांजिशन होता है तो उसे बी स्पेक्ट्रल लाइन से शो किया गया है और उसकी इंटेंसिटी को आई बी से। तो अब हम अगर आई बी अपॉन आई ए कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी की रेशो, तो हम देखें किसी समय पे कि दोनों जो लाइन है उनका एंड प्रोडक्ट सेम है लेकिन जो अलग अलग किसी समय पे अलग अलग जे से स्टार्ट हुई हैं, तो किसी समय पे उनकी इंटेंसिटी रेशो उनकी क्वांटम स्टेट की रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आई बी जो होगा किसी समय पे वो टू इंटू जे बी प्लस वन होगा, क्योंकि ये जो बी स्पेक्ट्रल लाइन है जो ट्रांजिशन ये हो रहा है उसका जो आई बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू जे बी प्लस वन के, और आई ए जो होगा इसकी जो इंटेंसिटी है वो होगी टू जी ए प्लस वन के, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारे पास में क्वांटम वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और क्वांटम वेट होता है हमारा टू जे प्लस वन। तो यहाँ से आई बी अपॉन आई ए निकाल लें, यहाँ पे जो किसी समय पे जे बी होगा वो थ्री बाई टू होगा तो टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन, और इसके लिए जो जे की वैल्यू हाफ होगी तो टू इंटू हाफ प्लस वन, तो फोर अपॉन टू होकर टू अपॉन वन आ जाएगा। तो इनकी इंटेंसिटी की जो रेशो होगी आई बी अपॉन ए की वो टू अपॉन वन होगी, इसमें जो इंटेंसिटी है वो इसकी ज़्यादा होगी किसी समय पे और इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो आई बी विल बी मोर इंटेंस इन कंपेरिजन ऑफ आई ए, और जो इंटेंसिटी की रेशो है वो टू और वन की रेशो में होगी। तो ये हमारे पास में आ गया, ये हमने देखा किसी समय पे डी वन और डी टू का। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो किसी समय पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ वेवलेंथ जो है किसी समय पर एनर्जी ज़्यादा होने से वेवलेंथ कम होगी और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जब एनर्जी हमारे पास में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन लैम्डा होती है। तो ई बराबर एस सी बाई लैम्डा से हम देख सकते हैं कि एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इस चीज कंसेप्ट को क्लियर रखें। उसके अलावा मैंने दूसरी एक प्रॉब्लम इसमें डिस्कस की है किसी समय पर, यहाँ पर जो किसी समय पर जो हम ट्रांजिशन समझा रहे हैं वो डिफ्यूज लाइन का है। ये भी ध्यान रखें कि जब पी से एस को ट्रांजिशन होता है तो प्रिंसिपल स्विच का फॉर्मेशन होता है, और किसी समय पर अगर D से P के लिए ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे डिफ्यूज सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n बराबर 3 है और ये 2D स्टेट दिखा रखी है, और यहाँ मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2s प्लस 1 2 होगी तो स्पिन हाफ हो जाएगी, और D स्टेट के लिए L की जो वैल्यू है वो हम सब जानते हैं कि S के लिए L 0, P के लिए L 1, D के लिए L 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि L की वैल्यू हो जाएगी 2 और स्पिन हो जाएगी हाफ, तो J की वैल्यू 2 आ जाएंगी L माइनस एस और L प्लस एस, तो 2 माइनस हाफ से ये 3 बाई 2 आ जाएगा और एक जे फाइव बाई टू आ जाएगा। तो ये जो लाइन है वो दो पार्ट्स में बट जाएगी, टू डी थ्री बाई टू और टू डी फाइव बाई टू, ये एन को शो कर रहा है, और जे की वैल्यू लोएस्ट में नीचे आएगी क्योंकि एनर्जी कम होती है जब जे कम होता है, और जे पाँच बटे दो वाले की ज़्यादा होगी नॉर्मल मल्टीप्लेक्स में। उसके अलावा जो हमारे पास में ये एन बराबर थ्री है टू पी का है, टू पी का मैं अभी समझा ही रहा था, तो ये जो पी लाइन है किसी समय पर वो हमारे दो पार्ट्स में बट जाएगी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से, तो टू पी थ्री बाई टू और टू पी हाफ। अब हम देखें किसी समय पे सिलेक्शन रूल हमारे पास हैं तो ट्रांजिशंस जो होगा वो 2t 3 बाई 2 से हम देखेंगे 2p 3 बाई 2 में पॉसिबल है, तो एक ट्रांजिशन ये हो गया, इसकी इंटेंसिटी ए से दिखा दी, और ये 2t 5 बाई 2 से किसी समय पे जब ये 2p 3 बाई 2 को ट्रांजिशन हो रहा है उस स्पेक्ट्रल लाइन को बी से दिखा दिया। उसके अलावा ये सी में हम देख रहे हैं 2t 3 बाई 2 से 2p हाफ को ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमारे पास में ये सी आ गई, सी स्पेक्ट्रल लाइन आ गई। अब हम देखें किसी समय पे कि हम जानते हैं किसी समय पे जो इंटेंसिटी हैं जो ऊपर से अगर एक ही जगह से वो शुरू होती हैं स्पेक्ट्रल लाइन, उनका इनिशियल पॉइंट एक है, तो जो सम ऑफ इंटेंसिटी है उनका वो वहाँ के क्वांटम वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जहाँ पे वो स्पेक्ट्रल लाइन अगर दो या दो से ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइन एक पॉइंट पर जाकर एंड होती हैं तो उनका जो सम ऑफ इंटेंसिटी है उस एंड जो
वहाँ पे क्वांटम वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम देखें आईसी, आईसी का मतलब ये स्पेक्ट्रल लाइन, और यहाँ पे क्योंकि इनका जो है एंड प्रोडक्ट एक अकेली है ये लाइन, तो आईसी हो जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे 2 × ½ + 1, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये हाफ पे खत्म हो रहा है। ये ए और बी दोनों का जो सम है इंटेंसिटियों का, आई ए प्लस आई बी, क्योंकि इनका एक ही एंड प्रोडक्ट है, तो आई ए प्लस आई बी यहाँ के क्वांटम वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 2j + 1 यहाँ ले लेंगे, जे को 3/2 कर देंगे, तो 2 × 3/2 + 1, और ऊपर से आ जाएगा 2 × ½ + 1, ये जो रेशो है वो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से मिलेगा 2 नीचे से 4, तो 1/2। उसके बाद एक चीज जो हम यहाँ पे देखें वो ये देखें कि आई बी अपॉन आई ए प्लस आई सी हम कैसे लेंगे। तो ये हमारे पास आई बी है, आई बी स्पेक्ट्रल लाइन है, तो ये यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है वो हम यहाँ से देखें आई बी, ये जे बराबर 5/2 से शुरू हुआ है, तो 2 × 5/2 + 1 कर दें, और किसी समय पे यहाँ देखें हम ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुई हैं, तो आई ए प्लस आई सी जो होगा वो इस स्टेट के क्वांटम वेट के प्रोपोर्शनल होगा। तो आई ए प्लस आई सी की वैल्यू 2 × और जे है 3/2, 2 × 3/2 + 1 होगी, 6/4 हो गया ये सॉल्व करके, और ये हमारा 3/2 आ गया। तो हमारे पास में दो रिलेशंस आ गए, आई सी अपॉन आई ए प्लस आई बी आ गया हाफ, और आई बी अपॉन आई ए प्लस आई सी आ गया 3/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के सॉल्यूशन से हमें सी मिलेगा 5/9 बी, ए मिलेगा बी अपॉन 9, तो ए बी सी की जो रेशो होगी वो 1/9, 1 और 5/9 की रेशो में होगी, या हमारी इंटेंसिटी आई ए आई बी आई सी जो होगी 1/9, 5 की रेशो में होंगी। तो इस पर भी एक क्वेश्चन करके रखें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम इजी थी, क्योंकि इसमें केवल हमारा डायरेक्टली हमें एक ही एक्सपेक्टेशन लगाना था, इसमें क्योंकि किसी समय पे इंटेंसिटी का सम जो शुरुआत हुई है उसके क्वांटम वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं जो इंटेंसिटी हैं, और किसी समय पे जो एंड हैं जो अगर दो या दो से ज़्यादा होती हैं स्पेक्ट्रल लाइन एक ही पॉइंट पे एंड होती हैं, तो वहाँ पर डायरेक्टली क्वांटम वेट जहाँ पे एंड हो रही हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम और मैंने इसमें डिस्कस की है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक एनर्जी यू एम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द 2p स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम यूजिंग द बोर मॉडल हुज एन बराबर 2 स्टेट करस्पॉन्ड टू 2p स्टेट। तो किसी समय पर मैग्नेटिक एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन की 2p स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए, और बोर मॉडल हमें यूज करना है, तो कैसे हम कैलकुलेट करें। बी का जो फॉर्मूला होता है, किसी समय पर हम जानते हैं कि जिस समय पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करती है, और जब करंट फ्लो करती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड दैट इज बी बराबर μ0 I/2r वेयर आई इज द करंट, आर इज द रेडियस। आई को हम लिख दें E × f, क्योंकि हमें पता आई होता है E/T, आई बराबर q/T से, और 1/T f होता है, तो μ0 E/F/2r। उसके बाद f की वैल्यू निकाल लें, f होता है V/2πr, और v जो हमारे पास होगा उसे cz/137 से ले सकते हैं, c जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, z को 1 ले लें और n की वैल्यू को किसी समय 2 ले लें, तो यहाँ से हम किसी समय पे v ले लेंगे। r जो है वो n²a₀ होगा, और n क्योंकि 2 है 2p स्टेट के लिए, तो 4a₀ होगा, और a₀ की वैल्यू होती है 0.53 angstrom, तो ये हमारे पास rn आ जाएगा 2.1 × 10⁻¹⁰ m। इस वैल्यू को यहाँ पे v की वैल्यू को 2πr को रख दें, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8.4 × 10⁻¹⁴ s। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करें, b बराबर μ0 की वैल्यू रख दें 4π × 10⁻¹⁷, ये हमारी m के यूनिट में है। i की वैल्यू की जगह पे ef रख दें, तो ये हमारा किसी समय पे 1.6 × 10⁻¹⁹, f हमने कैलकुलेट किया हुआ है 8.4 × 10⁻¹⁴ s, ये यहाँ रख दें, अपॉन 2, और r की वैल्यू ले लें यहाँ से 2.1 × 10⁻¹⁰ m। तो किसी समय पे ये जो b कैलकुलेट हो जाएगा वो 0.40 टेस्ला हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है b बराबर 0.40 टेस्ला। उसके बाद हम किसी समय पे जो u होगा उसकी वैल्यू होगी μb × b, ये हमारा μb बोर मैग्नेट्रॉन है और b मैग्नेटिक फील्ड है। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू EH×2m होती है, EH/4πm होती है, इसकी जूल पर टेस्ला में वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻²⁴ जूल पर टेस्ला। इस वैल्यू को उठा के रख दें इस एक्सप्रेशन में, μb की जगह पे 3.7 × 10⁻²⁴ जूल आ जाएगा। हम μb को जो ये वैल्यू है इसको 0.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.7 × 10⁻²⁴ जूल, और जब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे,
तो वैल्यू आ जाएगी 2.3 गुणा 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि जो गाँव में, कस्बों में और शहरों में जो बच्चे गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, उनके बढ़वाने में सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।